अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, अगर आप लोगों की टेंथ क्लास जनरल मैथ में से सप्ली है तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, सिर्फ इसी वीडियो को ही आप लोगों ने एंड तक देख लेना है। इंशाल्लाह इस एक वीडियो के अंदर आप लोगों को पासिंग फार्मूला भी मिल जाएगा और ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो चलते हैं, वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है गेस पेपर्स का, ये है सॉल्यूशन वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके बाद आप लोगों को पासिंग फार्मूला बताऊंगा और वीडियो के एंड पे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊंगा। आप लोगों ने इन डेफिनेशन को ही याद कर लेना, इंशाल्लाह आप लोग अच्छे मार्क्स से भी पास हो जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट नंबर वन की। यूनिट नंबर वन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं ये आप लोगों के सामने हैं, तो ये आप लोगों ने कर लेने हैं। इसके बाद यूनिट नंबर टू, तो अज़ीज़ तुलबा यूनिट नंबर टू के एक्सरसाइज नंबर यहाँ से ये शुरू हो रहे हैं। तो सबसे पहले है एग्ज़ाम्पल नंबर फोर और फाइव, ये एग्ज़ाम्पल जो है ये आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है। अगर आप लोग एग्ज़ाम्पल नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों ने ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है इन्हीं को ही कर लेना है। जैसे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर सिर्फ आप लोगों ने टू करना है, और एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये आप लोगों ने करना है, और इसी तरह ही एक्सरसाइज नंबर 2.5 इसका क्वेश्चन नंबर 13, 18, 19 और 20। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट नंबर थ्री की। यूनिट नंबर थ्री में से आप लोगों ने एग्जांपल नंबर वन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आप लोगों ने करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज 3.3 से का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, इसी तरह एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट निकालो स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इसी तरह ही नेक्स्ट आ जाएगा यूनिट नंबर 5। तो अज़ीज़ तुलबा यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 5, 8 और 15, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6। नेक्स्ट निकालो आप लोग यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 के एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोगों ने करनी है, और एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 का जुज नंबर 2, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 8 और 11, इसी तरह एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 15 और 16, ये करेंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने करना है एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, और इसके बाद 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 का जूज नंबर 2 और 4, क्वेश्चन नंबर 3 का जूज नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का जूज नंबर ए करना है आप लोगों ने, इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 1। अगर आप लोग स्टूडेंट्स वीक हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं तैयार कर सकते, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन याद कर लेने हैं। अगर आप लोग ये भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों को पासिंग फार्मूला भी स्टूडेंट्स बताऊंगा। अभी आप लोग इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो आप लोगों को ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, और इस वीडियो को आप लोग लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। इसके बाद अज़ीज़ तुलबा यूनिट नंबर है 7, इसका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 6, इसके बाद यूनिट नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, 7, 9, 12, 25, 27, 28, इसके बाद यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल नंबर 1 और 2, और इसके बाद एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, 4, 7। नेक्स्ट निकालो यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में से आप लोगों ने अज़ीज़ तुलबा एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 7, 9 और 10,
नेक्स्ट अजीज़ तुलबा, आप लोगों को पासिंग फार्मूला बताता हूँ कि अगर आप लोग वीक हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं याद कर सकते, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर आप लोगों ने अजीज़ तुलबा यूनिट नंबर 1, 4, 6, 10 ये चीज़ें कर लेनी। मतलब इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को जो बताए हैं, ये इन चैप्टर में से क्वेश्चन कर लेने हैं इसी वीडियो के जो अंदर हैं। और इसके बाद जितनी भी चैप्टर्स की डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आप लोगों ने याद कर लेना है। और इसके बाद MCQs जो होते हैं, ये चैप्टर के एंड पे जो दिए होते हैं, उनको आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि डेफिनेशंस कहाँ से याद कर लेनी है, करनी है, तो आप लोगों को बताता चलो, स्टूडेंट्स के बुक के लास्ट पे ग्लॉसरी का पोर्शन होता है, वहाँ से भी जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सारी डेफिनेशंस आप लोगों को याद कर लें। अगर आप लोग मज़ीद मोस्ट इम्पोर्टेंट याद करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता देता हूँ। अजीज़ तुलबा, अब आप लोग डेफिनेशंस का पोर्शन देख रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये इंशाल्लाह आप लोगों को जनरल रियाजी के पेपर में लाजमी आएंगी। इन डेफिनेशंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोग वीक स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं याद कर सकते, तो आप लोग इन डेफिनेशन को याद कर लें और साथ MCQs कर लें एक्सरसाइज वाले, तो इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। तो पासिंग फार्मूला यही है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो वीक हैं काफ़ी ज़्यादा, सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चन हैं उनको नहीं कर सकते, तो ये डेफिनेशन और साथ एक्सरसाइज के MCQs कर लें, तो इंशाल्लाह वो पास हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।